मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? स्वागत है मेरे व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं देखिए सुबह सुबह जल्दी नहा ली हूँ। टाइम दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए टाइम 8 बजने में है 15 मिनट और मेरा पूजा कंप्लीट हो गया। क्योंकि थोड़ा अब गर्मी का मौसम आ गया ना, इसलिए जल्दी ही नहा लूँगी और नहा कर उसके बाद काम करते रहूँगी। और अभी है मुझे सब्जी काटना, ये मैं दिखा रही हूँ। देखिए सारा सब्जी रखी हूँ, ये सब सब्जी मुझे कट करना है। चलिए सब्जी काटते हैं और नाश्ता वास्ता बनाते हैं और बने रही ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं, बैठ के सब्जी काट लेते हैं। ब्लॉग कुछ दिन से नहीं आ रहा था सही से, अब कंटिन्यू बनाऊँगी क्योंकि थोड़ा सा मैं भी आलस कर दे रही थी और टाइम नहीं मिल रहा था ब्लॉग बनाने का कुछ काम की वजह से। तो नहीं, अभी सोच रही हूँ तो मेरा व्यू भी बहुत ही डाउन हो गया है, तो चलिए फिर से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर ली हूँ। अब सोचती हूँ डेली कंटिन्यू ब्लॉग बनाऊँगी। एक ब्लॉग छोटा सा भी तो छोटा सा ही सही, लेकिन रोज़ कोशिश करूँगी डालने के लिए। तो चलिए पहले तो मैं सब्जी कट कर लूँगी, उसके बाद आटा वटा लगा के रोटी वोटी बनाऊंगी। तो हस्बैंड भी आज जल्दी ही नहा लिए थे, वो भी चले गए हैं ड्यूटी, तो आते हैं एक ही बार वो खाने के लिए 11 बजे के लगभग में। तो उनके आते हैं तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि आपको तो टाइम दिखाई तो अभी 8 बजने वाला है। तो उनका 11 बजे आएंगे, तब तक मैं अपना सारा खाना बना के कम्प्लीट हो जाऊँगी। तो आज बनाऊँगी मैं कोहड़ा की सब्ज़ी और आलू गोभी की सब्ज़ी और करेली का भुजिया। तो जो भी बनाऊंगी मैं आप सबको दिखाती हूँ क्या क्या बनाती हूँ, और पूरे दिन का रूटीन मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो बनी रहिएगा ब्लॉग में। चलिए जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। और मेरा देखिए यहाँ पानी उबल चुका है, मुझे चावल डालना है इसे। और मैं दिखाती हूँ अपना पूजा रूम, दिखाती हूँ बहुत दिनों के बाद, क्योंकि सुबह सुबह पूजा हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा धूप अगरबत्ती से मेरा घर में, ये देखिए पूरा इतना अच्छा स्मेल आ रहा है ना, ये खुशबू धूप अगरबत्ती का। अब पूजा सुबह सुबह हो जाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है घर, इसलिए मैं आज थर्सडे था इसलिए जल्दी ही पोछा तो मारा नहीं था, झाड़ू मार के ही मैं पूजा जो कर ली, क्योंकि थर्सडे को मैं पोछा नहीं मारती हूँ, उस दिन सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ। तो झाड़ू लगा के पूजा कर ली, जिस दिन पोछा मारना रहता है उस दिन तो लेट हो ही जाता है। तो चलिए मैं अपना सब्जी कट कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या सब्जी है। ये है इतना आलू गोभी का सब्जी बना दूंगी, ज़्यादा नहीं है थोड़ा सा ही। और ये है कोहड़ा, तो इतना नहीं बनाऊंगी, आधा बनाऊंगी, क्योंकि ये कोहड़ा सिर्फ मैं और बेटी खाते हैं तो हम लोग दोनों के लिए आधा में हो जाएगा। और हस्बैंड लोग नहीं खाते, हस्बैंड बेटा लोग नहीं खाता है, तो उसके लिए हो जाएगा आलू गोभी का सब्जी। और इसमें है तो इस चिमकिन में करेला है, तो चलिए करेला है, इसका मैं भुजिया बनाऊँगी। तो सारी चीज़ों को मैं कट कर लेती हूँ, पहले मैं सारा निकाल ले रही हूँ, उसके बाद सब कट कर लूँगी। और ये है सलाद के लिए, हस्बैंड अभी ला रहे हैं खीरा और बीट, गाजर, गाजर तो अभी ऑरेंज वाला मिल रहा है क्योंकि ये वाला मिलता है ऑरेंज वाला, रेड वाला गाजर अब नहीं मिल रहा है क्योंकि वो तो ठंडे के मौसम में मिलता है ना। तो ये सब का मैं सलाद बना दूँगी क्योंकि गर्मियों में सलाद खाना चाहिए।
तो मेरे घर में बस हम ही लोग खाते हैं, दोनों बच्चे और मैं खाती हूँ, क्योंकि छोटा वाला बेटा भी उतना दिलचस्पी नहीं रखता, हस्बैंड तो खाते ही नहीं हैं। ऊपर से प्याज वगैरह खा लिए, नहीं तो ऐसे सलाद कट करके देती हूँ, तो उनको पता नहीं क्या होता, नहीं खाते हैं। और सलाद खाना चाहिए, तो कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, फ्रिज में रखे रखे सब ख़राब भी हो जाता है, तो क्या करूँ। इसलिए मैं इस सब्ज़ी के साथ इसको भी निकाल ली हूँ, कट कर लूँगी। और ये मैं दिखा रही हूँ, अभी देखिए बेड उड पूरा नहीं, अभी सारा मेरे लगा हुआ है, तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी बेटी उठी नहीं है, तो उठेगी तो कर लेगी। चलिए सारे सब्ज़ी कट कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आप सबको। और हाँ, कुछ दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था, तो उसके लिए प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से नहीं डाल रही थी। और रीज़न क्या है, मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था, कुछ मेरा तबीयत भी सही नहीं चल रहा था, और मुझे एकदम नहीं अच्छा लग रहा था, ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर सोची कि चलिए चलो बैठ के, ऐसे भी घर में बोर नहीं होती हूँ, तो फिर से ब्लॉग, और मेरी दीदी लोग भी बोल रही थी नहीं ब्लॉग आ रहा है उसकी वजह से, तो इसीलिए सोची चलो फिर से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो अब मैं कंटिन्यू रेगुलर ब्लॉग डालूँगी, एक ब्लॉग तो ज़रूर डाल दूँगी, और शॉर्ट वीडियो का भी अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, कहीं जाती हूँ तभी ब्लॉग बनाती हूँ तो उसमें डालती हूँ, तो शॉर्ट वीडियो शायद अभी नहीं डालूँगी, पर डेली रूटीन वाला ब्लॉग मैं डालूँगी। तो जो भी मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरा व्यू बढ़े और सब्सक्राइबर भी बढ़े। तो मेरा 5-6 महीना होने चला है, लेकिन सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है, तो आप सब प्लीज़ मेरा वीडियो ज़्यादा देखिए और वॉच कीजिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि मैं रेगुलर बनाऊँ, यही सब की वजह से मुझे और नहीं बनाने का मन करता है, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरा बढ़ ही नहीं रहा है। तो आप लोग मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, पूरा वॉच कीजिए, और एक दूसरे को शेयर भी कीजिए। तो चलिए बातें करेंगे फ्रेंड्स, मैं अभी आप सबसे मिल रही हूँ, तो शाम को 7 बज रहे हैं, और आपको सुनाई दे रहा होगा मंदिर में घंटी का आवाज़, तो इसी टाइम मंदिर में पूजा होता है 7 बजे, तो ही पूजा हो रहा है हमारे बगल में, देखिए सामने जो मंदिर है आपको दिखाती हूँ उसमें। और मैं उसके बाद दोपहर में खाऊ के सो गई थी, खाने में क्या बनाई वो मैं आप सबको नहीं दिखा पाई, क्योंकि कपड़ा मेरा शायद मशीन में था, वो धोने चली गई थी, फिर मुझे याद ही नहीं रहा कि ब्लॉग का मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो मैं सब्ज़ी में तो जो कट कर रही थी वो तो आपको दिखाई थी, तो रोटी चावल दाल नहीं बनाई थी, वही आलू गोभी का सब्ज़ी था, कोहड़ा का सब्ज़ी था, करेला का भुजिया था और रोटी था। तो खाने के बाद मैं तो चावल ही खाई थी, रोटी नहीं खाई थी मैं, तो खाने के बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, और सो के उठी तो फिर कपड़ा उपड़ा था सारा इधर उधर करने में, फिर मैं बिजी हो गई तो टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं अभी ब्लॉग बना रही हूँ, और ब्लॉग का एंड भी करना है। तो अब मैं चलूँगी खाना बनाऊँगी, तो आज मैं ज़्यादा नहीं शॉर्टकट मार रही हूँ, आज मैं गीला चावल और आलू का भुजिया बनाऊँगी, तो वही हो जाएगा आज का खाना। और ऐसे भी गर्मी कुछ ज़्यादा ही अब बढ़ गया है, तो ऐसे में हल्का खाना ही खाना चाहिए, ज़्यादा हैवी खाना नहीं बनाऊंगी। तो ऐसे भी आज थर्सडे है, तो कुछ तो ऐसा कुछ बनेगा नहीं, इसीलिए मैं बनाऊंगी आज गीला चावल और आलू का भुजिया मसाला वसाला दे के, तो वही आज का हम लोग का रात का खाना हो जाएगा। तो चलिए ब्लॉग का एंड भी करूँगी, क्योंकि मैं चावल चढ़ा दी हूँ, क्योंकि गीला चावल होने में थोड़ा टाइम लगता है, और बेटी भुजिया काट दे रही है, तो फिर उसके बाद मुझे भूनना है, और मैं नहा ली, इतना गर्मी लग रहा था कि एकदम पूरा पसीना पसीना, सूट पहनी हुई थी तो एकदम अजीब लग रहा था गर्मी। तो ऐसे भी गर्मी में मैं 2 बार या 3 बार नहाती हूँ, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा भीग गई थी, इसीलिए मुझे थोड़ा भीगा भीगा टाइप का, और गर्मी भी लग रहा था, इसलिए मैं नाइटी पहन ली हूँ बदल के। और ऐसे भी अब तो गर्मी का मौसम आ गया, तो 2-3 बार तो नहाना ही है, क्योंकि इतना बड़ा कटता है दिन कि उस टाइम गर्मी से पूरा, कितना भी फ़ैन में रहिए तो फिर भी गर्मी लगता ही है। मैं एसी में ज़्यादा नहीं रहती हूँ, क्योंकि एसी में मेरा पैर में थोड़ा दर्द होने लगता है,
एसी में, ज़्यादा गर्मी जब पड़ने लगता है तब एसी वाले रूम में हम लोग सब सोते हैं पूरा फैमिली, और नहीं तो बच्चे लोग ही सोते हैं उस रूम में। और अभी फ़िलहाल उतना नहीं है गर्मी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, मई जून तक पूरा गर्मी लगने लगता है। तो उस टाइम तक देखूँगी तो उस रूम में ही हम लोग सब 2-3 महीना के लिए सोते हैं सब एक ही रूम में, क्योंकि एसी मेरा एक ही रूम में लगा हुआ है। तो चलिए ब्लॉग का एंड करती हूँ, और आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कल फिर एक अच्छे ब्लॉग के साथ आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ एक ब्लॉग डालूँ, क्योंकि छोड़ देने से भी मुझे भी ठीक नहीं लगता है और मेरा व्यू भी थोड़ा घट जाता है वॉच टाइम भी। तो देखूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ एक ब्लॉग डालूँ। तो चलिए ब्लॉग एंड करती हूँ, कल फिर एक अच्छे ब्लॉग के साथ आने का कोशिश करूँगी, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।